हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी जो बोन्स हैं, वो धीरे धीरे वीक होती जाती हैं, फ्रेजाइल होती जाती हैं, एक तरह से खोखली हो जाती हैं। और इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि आप लोगों को फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ऐसे क्या साइन सिम्टम्स होते हैं जिससे आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपकी हड्डियां कमजोर तो नहीं हो रही? आपको मैं ऐसे 10 रिस्क फैक्टर्स, 10 साइंस बताने वाला हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी हड्डियां तेजी से कमजोर हो रही हैं, आपको फ्रैक्चर्स का खतरा ज्यादा हो रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला रिस्क फैक्टर होता है जिससे आपको ये अंदाजा हो सकता है कि आपकी हड्डियां जरूरत से ज्यादा कमजोर हो रही हैं, वो होता है कि अगर आपको लास्ट 2 ईयर्स में, पिछले 2 साल में, एक से ज्यादा बार फ्रैक्चर्स हो गए हैं, या आपको बहुत छोटी चोट लगी थी। सपोज करिए आप नॉर्मली चल रहे थे, चलते चलते पैर मुड़ गया, तो यूजुअली आपकी हड्डियों में इतनी जान होनी चाहिए कि वो इस तरह के इम्पैक्ट को सस्टेन कर सके। लेकिन अगर आपको चलते चलते आपका पैर मुड़ जाता है, आपको स्प्रेन होने के बजाय फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, आपको रिस्ट फ्रैक्चर हो गया जबकि आपको ज्यादा जोर से वो चोट नहीं लगी थी, तो ये भी इंडिकेशंस होते हैं कि आपकी हड्डियों में ज्यादा जान नहीं है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रखी है, आपको फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड रिस्क फैक्टर जो होता है जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का या फ्रैक्चर का खतरा ज्यादा होता है, वो होता है नेचुरली उन लोगों में जो थिनली बिल्ड हैं, जो पतले हैं, जरूरत से ज्यादा पतले हैं, या थिन फ्रेम के हैं, जो डेलिकेट फ्रेम के हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो लोग मॉडरेटली बिल्ड हैं या नॉर्मल बिल्ड हैं उनको फ्रैक्चर का खतरा नहीं है, बट इन जनरली देखा गया है कि जो लोग थिनली बिल्ट होते हैं उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो थर्ड रिस्क फैक्टर है जो आपको प्रीडिस्पोज करता है वीक बोन्स के लिए, वो होते हैं वो पेशेंट्स जो लोग बहुत टाइम से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। अब स्टेरॉइड एब्यूज एक चीज है, लेकिन कुछ लोग जिनको जैसे एस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को ऑटो इम्यून कंडीशन है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाई की शिकायत है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे क्रॉन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड्स आप लोगों को लेने पड़ते हैं। और यही ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स आपकी हड्डियों से कैल्शियम, मैग्नीशियम लीच आउट कर देता है, हड्डियों को खोखला कर देता है, और हड्डियां प्रीडिस्पोज हो जाती हैं इजीली फ्रैक्चर होने के लिए। जो फोर्थ रिस्क फैक्टर है जिन लोगों में हड्डियां कमजोर जल्दी हो जाती हैं, वो होते हैं कुछ आपकी हैबिट्स की वजह से। तो जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म से स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल इंटेक ज्यादा है, उन लोगों को हड्डियां कमजोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो लोग दूध लेना पसंद नहीं करते। अब देखिए, जो हम हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का जो एक कैल्शियम का स्रोत होता है वो होता है मिल्क, दूध, या कुछ लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो जो मिल्क नहीं ले पाते हैं और अपनी डाइट के अंदर भी वो कैल्शियम को पूरी मात्रा में नहीं ले रहे हैं, उनके अंदर हड्डियां कमजोर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिफ्थ रिस्क फैक्टर होता है उन लोगों के अंदर जिन लोगों को नेल प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, नेल्स जो आपके नाखून हैं, अगर वो बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं, ब्रिटल हो गए हैं, ये आपको एक इंडिकेशन है कि आपके नेल्स के अंदर कोलाजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और अगर नेल्स के अंदर कोलाजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपकी बोन्स के अंदर भी कोलाजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि बोन्स वीक हैं। अगर आपके नेल्स के अंदर वर्टिकल लाइंस आपको दिखती हैं, या आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी डाइट में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं है, आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम नहीं है। सिक्स्थ साइन जो होता है वो होता है आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है ऑस्टियोपोरोसिस की। तो देखिए, अगर आपके कोई इमीडिएट रिलेटिव्स में या फर्स्ट जो रिलेटिव्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, अगर उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत थी, या उन रिलेटिव्स के अंदर बिफोर 50 इयर्स लेडीज में, बिफोर मेनोपॉज
ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत थी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको भी ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो हमें पता होना चाहिए वो होता है, ये स्पेसिफिकली लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लेडीज के अंदर जो वुमेन है इनके अंदर हार्मोन लेवल्स बहुत मैटर करते हैं, आपकी हड्डियों के अंदर कितनी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की कमी तो नहीं है। तो वो लेडीज जिनके अंदर ईस्ट्रोजन लेवल्स नहीं है, जो आपने देखा होगा नॉर्मली आफ्टर मेनोपॉज हड्डियों की शिकायतें ज्यादा होती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर जैसे पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अंदर लेडीज के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं, कुछ लेडीज जो ओवर एक्सरसाइजिंग करती हैं उनके अंदर भी ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो सकते हैं, या ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपकी लेवल जो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स को कम कर देगा। और अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स कम है, आपकी बॉडी के अंदर उतनी लेवल्स पे कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होगा हड्डियों में और वहां पे हड्डियां कमजोर होती जाएंगी, तो ये भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगला रिस्क फैक्टर जो हमें पता होना चाहिए वो ये होता है कि अगर हमें किसी तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, हाँ जी, अगर आप अपनी डाइट के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम एंड विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, या अगर आपको ऐसे कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे एनोरेक्सिया या बुलीमिया टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रखे हैं जिसके अंदर आप खाना प्रॉपर नहीं खाते हैं, या आपको कोई बावल प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो इंटेस्टाइन है वो पर्याप्त मात्रा में आपका खाना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उन लोगों के अंदर भी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं और उसकी वजह से सारा इंपैक्ट जो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो हमारी हड्डियों पे पड़ता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। नाइन्थ रिस्क फैक्टर होता है वो लोग जो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, स्पेशली वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। तो जो लोगों के लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इनएक्टिव है, सिडेंट्री है, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं और जो रूटीन में एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, देखिए बॉडी को यूज करना पड़ेगा वरना डिसयूज अट्रोफी हो जाएगी। टेंथ रिस्क फैक्टर होता है पुअर पोस्चरिंग, अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सिटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं है, गलत पोजीशन में सोते हैं, गलत पोजीशन में बैठते हैं, चलते वक्त आपके शोल्डर्स आगे ड्रूप कर रहे हैं, आपको स्ट्रेट बैक के बजाय आपकी जो कमर है, जो आपकी स्पाइन है वो आगे की तरफ झुकी रहती है, तो ये आपको इनडायरेक्टली वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो स्पाइन है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में जान नहीं है, हड्डियां आपकी वीक हो रही हैं। तो एक बहुत छोटा सा एक ओवरव्यू था जो आपको ये बता सकता है कि क्या आपकी हड्डियां जरूरत से जल्दी कमजोर तो नहीं हो रही हैं, और अगर ऐसा है तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मिलने की जरूरत है, आपको अपने ऑर्थोपेडिशियन को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए, बेस्ड ऑन आपके सिम्टम्स आपको कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाएंगे, काफी बार इसमें एक्सरेस करवाए जाते हैं, या आपकी हड्डियों के अंदर आपकी बोन की डेंसिटी चेक की जाती है कि वो हड्डियां कितनी कमजोर हो चुकी है, जिसको हम लोग बोन डेंसिटी स्कैन या डेक्सा स्कैन कहते हैं। बेस्ड ऑन आपकी रिपोर्ट्स पे अगर बहुत ज्यादा सिवेरिटी होती है तो उसी के लेवल पे आपको मेडिकेशंस भी शुरू कर दी जाती हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स और भी बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, बट अननेसेसरीली ओवर द काउंटर मेडिकेशन ज्यादा ना लें बिकॉज इन मेडिकेशंस की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, सो इट इज अप टू योर ऑर्थोपेडिक सर्जन कि वो आपको ढंग से एडवाइस करेंगे कि आपको किस लेवल पे कितनी मात्रा में कितने दिनों के लिए इन मेडिकेशंस की जरूरत है। सो आई रियली होप कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, इट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सब वार्निंग साइंस हैं, तो अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो आप जल्दी से जल्दी उस चीज को अपनी लाइफ में टैकल कर सकते हैं। So if you like this video, give it a thumbs up, share कीजिएगा and do subscribe to our YouTube channel